नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में इसमें अपडेट आया है जुलाई सिक्योरिटी पैच लेवल का। तो यहाँ पे हम इसमें करने वाले अब बैटरी ट्रेनिंग और हीटिंग टेस्ट। तो मैं यहाँ पे इस फोन को करूंगा 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली यूज, जिसमें मैं करूंगा यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग, 10 मिनट के लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्लैश के साथ, 10 मिनट के लिए 1080p फॉर्मेट में वीडियो प्लेबैक, और फिर 10 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग। फिर हम देखेंगे 1 घंटे के बाद कितनी बैटरी यहाँ पे ड्रेन होती है और किस तरह से यहाँ पे हीटअप होता है ये फोन। तो बैटरी ड्रेनिंग की अगर बात करेंगे तो 1 घंटे के लिए लास्ट टाइम मैंने इसे जब यूज किया था तो 16% बैटरी ड्रेन हुई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे 100% से स्टार्ट करने वाला हूँ। बैटरी लेवल यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बैटरी लेवल 1 या 2% कम ड्रेन हो, मतलब 16 या 15% ड्रेन हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। और बात करेंगे हीटिंग की, तो हीटिंग यहाँ पे लास्ट टाइम 45 तक पहुंचा था गेमिंग और कैमरा रिकॉर्डिंग के दौरान। तो अब यहाँ पे अगर उससे कम होता है टेम्परेचर तो मानेंगे कि हीटिंग इशू में इंप्रूवमेंट किया गया है, मतलब थोड़ी हीटिंग इशू कम हुई है। दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस फुल है, ठीक है, वॉल्यूम लेवल भी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे गेम भी स्टार्ट करता हूँ 30 मिनट्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक मैंने वेरी हाई पे रखा हुआ है और फ्रेम रेट मैंने यहाँ पे मैक्स पे रखा हुआ है, तो वेरी हाई और मैक्स के साथ मैं यहाँ पे गेमिंग करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो यहाँ पे फ्रंट में अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे फ्रंट में है 38 है मैक्सिमम, और बैक में है 36.8। तो 37 है बैक में, यहाँ पे मैक्सिमम 37.3, और फ्रंट में 38। तो उससे आगे टेम्परेचर नहीं गया है, तो ये अच्छी बात है, गेमिंग के दौरान 38 तक ही जाता है। बात करते हैं यहाँ पे बैटरी लेवल की, तो यहाँ पे बैटरी लेवल है अब 93%। तो पहले 100% और अब 93, मतलब 7% बैटरी ड्रेन हुई है हाफ आवर के गेमिंग के दौरान। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्लैश के साथ। दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट के लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्लैश के साथ कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका टेम्परेचर। तो यहाँ पे फ्रंट में इसका टेम्परेचर जो है ये 41.4, मैक्सिमम है 42, तो यहाँ पे 41.9 है, तो 42 यहाँ पे मैक्सिमम है फ्रंट में। और बात करते हैं बैक में, तो बैक में है यहाँ पे मैक्सिमम 42.5 है मैक्सिमम, जो पहले से कम है। पहले 45 तक जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 42.5 है मैक्सिमम बैक में। और बैटरी लेवल अब यहाँ पे है 89%। तो अब तक यहाँ पे 11% बैटरी ड्रेन हुई है। तो यहाँ पे हम अब करते हैं 1080p फॉर्मेट में एक वीडियो प्लेबैक यूट्यूब में। दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट के लिए 1080p फॉर्मेट में वीडियो प्लेबैक कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, जो नॉर्मल हो जाना चाहिए, 35 के नीचे हो जाना चाहिए शायद। तो यहाँ पे अब है 35, ओके, यहाँ पे 35 है, और बैक में है
34.8। तो यहाँ पे अब बात करते हैं बैटरी लेवल की, तो यहाँ पे बैटरी लेवल है अभी 88%, तो 50 मिनट हो चुके हैं और अभी यहाँ पे 12% बैटरी ड्रेन हुई है। तो यहाँ पे अब हम लास्ट में करेंगे 10 मिनट के लिए सीपीयू थ्रोटलिंग, देखते टेम्परेचर कितना जाता है और कितनी बैटरी ड्रेन होती है लास्ट के 10 मिनट में। दोस्तों यहाँ पे सीपीयू थ्रोटलिंग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 73% तक सीपीयू थ्रोटल हुआ था। अब बात करते इसके टेम्परेचर की, सबसे पहले तो फ्रंट में है यहाँ पे 41.2 है मैक्सिमम, 41.2, और बैक में है 42.5। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू थ्रोटलिंग और कैमरा रिकॉर्डिंग में 4K जब आप रिकॉर्ड करते हो फ्लैश के साथ, तब यहाँ पे 42.5 तक टेम्परेचर जाता है। उसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गेमिंग किया आधे घंटे के लिए, तो यहाँ पे 38 तक पहुंचा था, उससे ऊपर गया नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं बैटरी लेवल की, तो यहाँ पे बैटरी लेवल है 85%, तो पहले 100% था और अब है 85, मतलब 15%, 15% बैटरी ड्रेन हुई है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर 14 या 15% बैटरी ड्रेन होती है तो नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है, तो अपडेट के बाद कोई भी यहाँ पे आपको बैटरी ड्रेनिंग इश्यू नहीं देखने मिलेगा। दोस्तों अगर आपको भी चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया है। आप 1 घंटे के लिए यूज कीजिए अपने फोन को और देखिए आपके फोन में कितनी बैटरी ड्रेन होती है, किस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे राइज होता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।